नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ श्री करणपुर इलाके के बहुचर्चित लाल किला विवाद को लेकर एक बड़ी अपडेट। लाल किले विवाद को लेकर सबूतों के साथ मैं आज दिखाऊंगा आपको पूरे अपडेट्स। जुड़े रहें अंत तक। लाल किले के मालिक श्याम सुंदर ने नगर पालिका प्रशासन पर लगाया नामांतरण नहीं करने का आरोप। श्री करणपुर वार्ड नंबर 16 ब्लॉक 3C निवासी श्याम सुंदर गोयल ने नगर पालिका प्रशासन के ईओ अजय प्रताप सिंह, चेयरमैन रमेश बंसल, जयन पवन बुड़ाकिया, ममता विकास गुजराती पर नामांतरण की प्रक्रिया को सही ढंग से ना करने और मामले को उलझाने का आरोप लगाया है। श्याम सुंदर गोयल ने बताया कि उनकी अपनी पृथक संपत्ति का नामांतरण नहीं किया जा रहा है और नगर पालिका प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रही है। वह कहा कि उनके द्वारा 22 सितंबर 2022 को अपने नामांतरण के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। उसने आरोप लगाया कि राजनीतिक तानाशाही के चलते मकान का नामांतरण नहीं किया जा रहा, जो कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेशों की खुल्लम खुल्ली अवहेलना नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही है। संबंधित विभाग द्वारा 20 फरवरी को आदेश जारी करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जिन पर राजनीतिक दबाव है। इस संबंध में श्याम सुंदर आज 1 मार्च बुधवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी व राजस्व अधिकारी को मिले और प्रार्थना पत्र देकर अपनी पीड़ा जाहिर की। क्या है मामला? मैं आपका अपना अमित लक्की धवन आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। यह संपत्ति देशराज मथुरा प्रसाद, मदन चंद बनारसी दास, कृष्णा देवी व सावित्री देवी के नाम पर दर्ज थी, जिसमें कृष्णा देवी व सावित्री देवी ने अपना अपना हिस्सा अपने चारों भाइयों को वारिसनामा को दिया जा चुका है, जिसके संबंध में एक सहमति पत्र दिनांक 14 जुलाई 2016 को पेश किया जा चुका है। देशराज के वारिस नरेश कुमार, राकेश कुमार, दिनेश कुमार, मुकेश कुमार, आरती गर्ग, सुषमा गर्ग व मथुरा प्रसाद के वारिस रमेश कुमार, महेश चंद्र, विजय कुमारी, शांति देवी व मदन चंद के वारिस लाजवंती, नीलम रानी, कमल कुमार, श्याम सुंदर, समुद्र गुप्ता, इन सब के द्वारा अपने अपने हिस्से का हक त्याग प्रार्थी श्याम सुंदर को दिया जा चुका है, जिसका लिखित में अटेस्टेड कॉपी दस्तावेज श्याम सुंदर के पास सुरक्षित संभाले हुए पड़े हैं। जबकि बनारसी दास के वारिस केवल चंद्र, राजेश कुमार व अशोक कुमार के पास अपना अपना हिस्सा पड़ा है। मामला उलझा ऐसे कि अशोक कुमार के हिस्से में 233 वर्ग फुट प्रॉपर्टी आती थी, लेकिन उसके द्वारा अपने हिस्से की प्रॉपर्टी न लिखकर सभी के हिस्से की प्रॉपर्टी का इकरारनामा अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह के नाम पर कर दिया गया और उक्त इकरारनामे के बदले में रकम भी ले ली गई, लेकिन वह इकरारनामा कानूनन प्रक्रिया से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशोक कुमार सिर्फ 233 वर्ग फुट जमीन का ही बेचान कर सकता था, ना कि सारी जमीन का। लेकिन यह बेचान करने के बाद विवाद काफी बढ़ गया और बाद में कई रिश्तेदारों द्वारा इस प्रॉपर्टी को लेकर अपना हक जताया गया, जिसमें कई नेता, उच्च पुलिस अधिकारी व नगर पालिका उच्च कर्मी भी लिप्त थे और श्याम सुंदर द्वारा सभी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई जा चुकी है, जिसके दस्तावेज श्याम सुंदर के पास सुरक्षित पड़े हैं। अब स्वायत्त विभाग जयपुर द्वारा श्याम सुंदर को लेटर भी दिया जा चुका है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि
प्राय यह देखा गया है कि नाम हस्तांतरण के प्रकरणों के निस्तारण में नगरीय निकायों में अनावश्यक विलंब किया जाता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 118 में प्रावधान है कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 27 में प्रावधान है कि नाम का अंतरण भूमि के अंतरण के मामले में अंतरिति के पक्ष के नाम के अंतरण के लिए स्थानीय प्राधिकारी को आवेदन के लिए राष्ट्रीयकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और साफ लिखा गया है कि नाम हस्तांतरण के मामलों में आवेदन पत्र के साथ केवल वही दस्तावेज लिए जाएंगे जिनके भूखंड स्वामी के नाम हस्तांतरण प्रमाणित होता है। वे दस्तावेज हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, आईडी प्रूफ, रजिस्टर्ड डीड, सेल्स डीड और सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ये सब दस्तावेज श्याम सुंदर प्रार्थी के पास पड़े हैं। उसका नामांतरण 15 दिन के अंदर अंदर करना अनिवार्य है, लेकिन श्याम सुंदर पिछले 6 महीने से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। आप नीचे हमारी रिपोर्टिंग फोटो में भी देख रहे हैं, श्याम सुंदर द्वारा नगर पालिका प्रशासन का वकील, नगर पालिका प्रशासन को वकील का नोटिस भी भेजा गया है। और आज 1 मार्च को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी को भी अपनी आपबीती सुनाई। आप नीचे हमारी रिपोर्टिंग फोटो में देख चुके हैं कि नगर पालिका प्रशासन को वकील का नोटिस 3 पेजों में भेजा गया है और सुभाष चंद्र चौधरी को भी अपनी आपबीती सुनाई गई है। इतने दस्तावेज होने के बाद भी क्यों नगर पालिका प्रशासन द्वारा श्याम सुंदर का नामांतरण नहीं किया जा रहा? और कितने महीने श्याम सुंदर को अपने नामांतरण के लिए इसी तरह से धक्के खाने पड़ेंगे? क्या श्याम सुंदर का नामांतरण होगा भी या नहीं? जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी अपडेट के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आप सुने श्याम सुंदर की जुबानी आप बीती। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा जो भी खबर, घटना, स्टोरी चैनल पर डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब सुने श्याम सुंदर की जुबानी, उसका अपना खुद का दुख। हाँ जी सर, आप बताएं कि आपका क्या विवाद है और क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? नगर पालिका श्री करणपुर से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दादा परशुराम जी के 4 पुत्र थे, ठीक है, तेसराज, नासीदास, मथुरा प्रसाद व मेरे पिता मदन, ठीक है, चारों के चारों स्वर्गवास हो गए, ठीक है। अब मेरे को देशराज, मथुरा प्रसाद व मदन चंद के वारिसों द्वारा मुझे हक त्याग पत्र रिलीज्ड सब रजिस्ट्रार श्री करणपुर के द्वारा निष्पादित की गई है। उसके बाद मैंने नामांतरण के लिए लगाया, जिसमें मेरे विरुद्ध 3 आपत्तियां आई। अच्छा, 3 आपत्तियों में मैंने भली भांति प्रकार एफिडेविट दिया है और एफिडेविट देके और मैंने ये भी ईओ साहब से कहा है, ईओ साहब ने उन 3 आपत्तियों को टेलीफोन के माध्यम मेरे को कहा कि 3 निरस्त हैं और उसके बाद भी उनको वैलिड रखा गया है। कारण कि कांग्रेस का प्रेशर है और नगर पालिका जेएन जो है वो उनका खास है और हमारा वो मुलजिम है 452 में एफआईआर नंबर 272 में, इसलिए वो जान के होने नहीं दे रहा। चेयरमैन इसलिए नहीं होने दे रहा क्योंकि चेयरमैन की बुआ की पोती राजेश कुमार के भतीजे को ब्याही हुई है, इसलिए चेयरमैन का प्रेशर है। तो सारे जने ये मिले हुए हैं, इस कारण से मेरा काम नहीं हो। और जबकि जो जयपुर स्वायत्त शासन विभाग DLB ने एक आदेश जारी कर रखा है 15 जनवरी 2020 में, ये क्लियर कट लिखा है कि अगर रिलीज्ड हक त्याग पत्र रजिस्टर्ड है तो आपका नामांतरण 101% हो, और वो 21 दिन के अंदर यानी कि करना पड़ेगा। उसके ऊपर नियम के ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि 21 दिन के अंदर नामांतरण करना अति आवश्यक है। तब आपको कितने दिन हो गए अपने नामांतरण? मेरी फाइल लगी हुई है 22/9/2022 की।
22/9/2022 यानी अब 6 महीने हो गए, लगभग 6 महीने के आसपास हो गया सर। अभी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और आपको उलझाया जा रहा है। बिल्कुल उलझाया जा रहा है, कागज के ना तो सामने वाली पार्टी से कोई कागज मांगा जा रहा है, ना उन पे कोई कार्रवाई की जा रही है। आपत्तियां यथावत पड़ी है, यो कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।